हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य शासन और परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी कर प्रदेश की खराब यातायात व्यवस्था को सुधारने और ऑटो चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया है और इस एक्शन प्लान को अगली सुनवाई में अदालत में पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि न केवल जबलपुर बल्कि प्रदेश के चारों महानगर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। वाहन चालकों के द्वारा मनमाने ढंग से वाहन चलाने की वजह से अनेक दुर्घटनाएं हो रही है और रोज सड़क दुर्घटना में घायल और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही शहर के अंदर ऑटो रिक्शा चालकों के द्वारा मनमाने ढंग से ऑटो रिक्शा संचालित किए जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालकों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परमिट दिया गया है, लेकिन ज्यादातर ऑटो शहरी क्षेत्र में ही संचालित किए जा रहे हैं और यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य शासन और स्थानीय यातायात पुलिस किसी भी तरह के प्रयास नहीं कर रही है। ऐसे में हाईकोर्ट से राहत चाही गई है। इस मामले की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और परिवहन आयुक्त को आदेश दिया है कि प्रदेश के जबलपुर भोपाल इंदौर ग्वालियर शहरों की यातायात व्यवस्था को सुधारने और ऑटो चालकों की मनमानी को रोकने के लिए एक्शन ट्रैकिंग प्लान तैयार किया जाए और इस प्लान की पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई में अदालत के सामने पेश की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल माह में होगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर ग्वालियर इंदौर भोपाल इन चारों शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट नाम की चीज ही नहीं बची है। तो इसमें आज जो ऑर्डर पास किए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश को और सरकार को ये बोला गया है कि जो जबलपुर का ट्रैफिक है, जो भोपाल का ट्रैफिक है, जो इंदौर का ट्रैफिक है, जो ग्वालियर का ट्रैफिक है, इसके पूरा एक प्लान पेश किया जाए कोर्ट के सामने। एवं इसी प्रकार जहां तक ऑटो रिक्शा का सवाल है, ऑटो रिक्शा के बारे में क्या सजेशन है मध्य प्रदेश की सरकार की, क्यों? क्योंकि ऑटो रिक्शा ऐसे चल रहे हैं जो बिना परमिट के, या ये जो रूरल एरिया के ऑटो रिक्शा है वो भी अर्बन एरिया में चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और ये आदेश जो है ये मील का पत्थर साबित होगा आगे चल के, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ट्रैफिक व्यवस्था है खासकर जबलपुर में तो ऐसी ट्रैफिक व्यवस्था है कि यहाँ पे हर रोज सैकड़ों एक्सीडेंट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक। नाउ द मैटर हैज बीन लिस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि गवर्नमेंट पूरा कंप्लायंस करके, गवर्नमेंट पूरा एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करे हाईकोर्ट के सामने और अब इसको अप्रैल 2021 में सुना जाए। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।